सामाजिक संस्था हिमाचल एकता मंच ने शिमला के YMCA हॉल में कोरोना काल में अपनी सेवाएं दे चुके लोगों, जिसमें मीडिया कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी व पुलिस कर्मी व अन्य कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान SP शिमला मोनिका बुंटू गरु ने मुख्य अतिथि शिरकत की और धन्यवाद किया संस्था का इस मौके पर उन्हें बुलाने के लिए। हिमाचल एकता मंच के चेयरमैन दीप राम भारद्वाज ने कहा, संस्था सामाजिक कार्यों को करती आ रही है। कोरोना काल में बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए ऑनलाइन माध्यम से भी कंपटीशन करवाए गए, जिसमें पूरे प्रदेश से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उन्हें भी आज सम्मानित किया गया। इसके अलावा महिलाओं के उत्थान के लिए भी कार्य करती रहती है। भारद्वाज, चेयरमैन हिमाचल एकता मंच, जिला कुल्लू का स्थायी निवासी हूँ। कोरोना योद्धा का जो हमारा उद्देश्य था वो ये था कि जो कोरोना जैसी महामारी जो हिमाचल में, प्रदेश में, देश में और पूरे विश्व में जो फैली थी, उस दौरान जिन्होंने अपनी सेवाएं जो दी थी, चाहे वो पुलिस वाले थे, चाहे मीडिया से थे, चाहे डॉक्टर्स थे, चाहे सफाई कर्मचारी थे, चाहे सोशल वर्कर थे, चाहे विभिन्न संस्थाएं थी, उन सभी ने अपनी जो सेवाएं दी थी, जिसके बदौलत आज कोरोना पे, मतलब कि जीत ही बोल सकता हूँ कि कोरोना पे हमने जीत हासिल कर दी है। तो उन सभी को हमारा मंच का एक उद्देश्य था कि उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर जो है सम्मानित किया जाए, ताकि उनका मनोबल बना रहे और आगे अगर देश पे, प्रदेश पे या विश्व पे इस तरह की जो महामारी अगर आए, तो उस दौरान दोबारा से सभी इसी तरह जो है मिलजुल के सारी विपदाओं का आसानी से मुकाबला कर सके। आपकी संस्था क्या क्या करती है? हमारी संस्था का बहुत सारे कार्य है, जैसे समाज सेवा है, आपके जैसे ब्लड कैंप लगते हैं हमारे, महिला उत्थान है, रोजगार के साधन है, और जो हिमाचल का जो हमारा खान पान, रहन सहन, और जो हम जो पहाड़ी जो हमारे जो फसल हुई थी, होती थी, जो आज की डेट में बिल्कुल खत्म हो रही है, उसको भी पैदावार, उसकी पैदावार हो, ताकि जो हिमाचल की जो संस्कृति है उसे हम प्रमोट करना चाहते हैं। साथ ही जो कुछ हुनरबाज जो बच्चे होते हैं जिन्हें मंच नहीं मिलता, उन्हें भी हम मंच प्रदान करते हैं। थैंक यू।